आज हम प्रगति मैदान आए थे, तो बताइए मैम ये आपके प्रोडक्ट जो है किस बारे में है? हम केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हिस्सा है से हैं। इसमें हमने यहाँ रखा है केचुआ की खाद जो कि वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। अगर किसान भाई गोबर को वेस्ट समझते हैं तो केचुआ खाद डाल करके इससे केचुआ खाद बना करके भी वो बेच सकते हैं। फिलहाल ये हमारा संस्थान बनाता है वर्मी कंपोस्ट, ये सेल के लिए भी है जी। और इसके अलावा मिनरल मिक्सर है, मिनरल मिक्सर में सारे तरीके के मिनरल्स होते हैं, बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है और माइक्रो मिनरल्स भी सारे रहते हैं। पशुओं में कई बार बांझपन की समस्या और इनफर्टिलिटी की समस्या आम होती है, अगर हम रेगुलर रूप से उसकी डाइट पर ध्यान दें और उसको अगर हमें लगता है हम स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं तो मिनरल मिक्सर ऊपर से दें, तो काफ़ी हद तक हम रिपीट ब्रीडिंग और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं तरह तरह की गाय हमने लगा रखी हैं, इसमें से सबसे पहली गाय भारत की विकसित करी हुई सिंथेटिक ब्रीड है, पहली सिंथेटिक ब्रीड गाय जिसका नाम है फ्रीजवाल। इसमें 62.5% होल्स्टीन फ्रीजियन का ब्लड है और रेस्ट इसमें साहिवाल का ब्लड है। इसका वन लैक्टेशन लेंथ में एक ब्यांत में ये लगभग 400 लीटर दूध देती है। इसके बाद आप देख रहे हैं साहिवाल ब्रीड लगभग 2500 से 3000 एक ब्यांत में दूध देती है। ये देसी नस्ल की गाय है और इसका ओरिजिन पंजाब में है। फिर आप देख रहे हैं राजस्थान की हमारी सफ़ेद गाय जिसको हम बोलते हैं थारपारकर गाय, इसका भी एक ब्यांत में जो दूध रहता है 2500 से 3000 तक रहता है और ये भी बहुत ही प्यारी और सुंदर गाय हमारे भारत देश की है। फिर आप देख रहे हैं कांकरेज, इसका ओरिजिन है भुज में, इसका दूध है लगभग 2000 से 300 लीटर एक आपके लैक्टेशन लेंथ में और ये भी इंडिजिनस ब्रीड है। फिर लाल सिंधी जिसको रेड सिंधी भी बोलते हैं, ये हमारी इंडिजिनस नस्ल की ब्रीड है और ये भी हमारी दुधारू गाय है, इसका भी मिल्क प्रोडक्शन लगभग 2500 किलोग्राम है एक लैक्टेशन लेंथ में। बाकी केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ में स्थित है और ये जो संस्थान है ये पशुपालकों को सभी तरीके की परेशानियों के लिए एक इसने हेल्पलाइन नंबर भी रखा है जिसमें कॉल करके पशुपालक अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। और हमारा संस्थान बीज भी उपलब्ध कराता है, वहाँ पर जर्म प्लाज्म हाई क्वालिटी जर्म प्लाज्म बुल्स का अवेलेबल है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मेघा पांडे हूँ, वैज्ञानिक हूँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्र गौवंश अनुसंधान संस्थान में। हमारा यह संस्थान मेरठ कैंट में स्थित है। आइए मैं आपको अपने संस्थान की थोड़ी सी झलक दूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।